human heart is a scary part, in fact. 'Cause I could break you and you could break me back. Though my head says just forget it, you'll get hurt and you'll regret it. Ask me now and I won't hesitate. 'Cause I'm fearful of heights and you take me higher. What came with you was a view to admire. So excuse me while I fall for you. Yeah, ooh. Excuse me while I fall for you. Thought about it long and hard today. Realize I'm standing in our way. Hey, hey. Ask me now and I won't. 1 second. पता है, यूं ही अगर तुम अपनी लाइंस ऐसे करती रही तो शायद देर हो जाएगी। इस हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। हाँ, तो नर्वस हो? हाँ। तुम कहाँ बैठ रहे हो? फ्रंट रो में, बालकनी में, एलेना के साथ। मैं नहीं जानती थी वो आने वाली है। क्या मजाक कर रही हो? ये तुम कैसे बोल सकती हो? आइए आइए, टिकट लीजिए, टिकट लीजिए, केवल $5 में। आइए जल्दी आइए, केवल $5 में। I'm sorry, मुझे तुम्हारा टेक्स्ट मिला था। मुझे पूरे घुटने की सर्जरी करनी थी, 3 घंटे इसमें लग गए। इसे टिकट होगी? उन्हें तुम्हें इतना काम कराने से बाज आ जाना चाहिए। उन्होंने मुझे मशीन समझ रखा है। टिकट लिया? एक्सक्यूज मी, आप लोग जरा रुकिए और मुझे प्लीज अपना टिकट दिखाइए। मुझे चेक करना है। इसमें बच्चे नहीं आ सकते हैं। आप लोगों का तो ब्रॉन्ज पैकेज है। कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सा। आपकी जो सीट है वो मैं प्लेटिनम पैकेज में करवा देता हूँ, बस $22 लगेंगे। उसमें आपको एसी की ठंडी हवा मिलेगी और सीट भी अच्छी है। और ये जो पैसे हैं वो चैरिटी में चले जाएंगे, है ना? अच्छी बात। तुम ट्रूमन हो? क्या कहा? हमारी बच्ची इस प्ले का हिस्सा है, हम जगह को ढूंढ लेंगे। ओके? हाँ, तो हमें अंदर जाने दो। प्लेटिनम पैकेज खरीदने के लिए थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आ गए? हाँ, क्यों नहीं आऊंगा। प्रोग्राम मिला तुम्हें? नहीं 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 मिला, मैं तुम्हें देख रहा था। ओह, इसलिए देर हो गई। हाँ, मैं एक दोस्त से मिलने गया था। वो कैसी है? वो थोड़ी नर्वस है। मुझे भी वहां होना चाहिए था। यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया। आपने यहाँ पर आकर के इस कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिया है। हमें अपनी यूनिवर्सिटी की रिवायत पर नाज है। आज की रात हम आपके सामने कुछ नए चेहरों को पेश करने जा रहे हैं। हमारे साथ उन सभी कलाकारों का इस्तकबाल कीजिए जो कि आज इस नाटक का हिस्सा बनने वाले हैं। आज के इस नाटक को लिखा है नए चेहरे ने। क्या बात है। तो अब बिना किसी देर के हम पेश कर रहे हैं एनाबेला। क्या बात है, मेरी क्लास में नाटक कर रहे हैं, आज मजा आएगा। थैंक यू। आ गई। कितनी अच्छी लग रही है। वाह, एनाबेला, ये तुम हो डेज़मंड? हेलो एनाबेला। आप सुखदाताओं से दूर कर सकते हैं डेज़मंड, ये थोड़ा छोटा है, आपको नहीं लगता? अगर आप मुझे समझाने थे तो मुझे विश्वास है कि आप सहमत होंगी। आपको ये जानने की जरूरत है कि मेरे परिवार में
मेरा अपना एक स्टैंडर्ड है, समझी? स्टैंडर्ड्स वो जो मैं पूरा नहीं कर सकती? इसे स्वीकार करे डेजमिन, प्लीज। मैंने मुझे एहसास हो गया है, मैंने मैंने महसूस किया है कि मेरी कुछ स्टैंडर्ड्स है जैसे आप करते हैं। ये सही नहीं। अब समय आ गया है कि मैं उस जीवन की खोज करूं जिसका मैंने सपना देखा था, लेकिन मुझे असंभव लगा। तुम ये क्या कह रही हो ना बेला? मैं जा रही हूँ जैस्मिन। जा रही हो? पर कहाँ है ना बेला? एनाबेला, क्या हुआ? Excuse me, ऐसे क्यों क्या? हाँ, एना, तो ठीक है, एना, क्या हो गया? एना, मुझे यही डर था, क्या हुआ इसे? सुनो, इसका इन्हें लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, आता हूँ, एना। है ना, उठो उठो, मेरी बात सुनो, है ना, है ना, डॉक्टर जेकब लॉसन, क्या वो सर्जरी में है? थैंक यू। हाँ, मैं जो अच्छा कर सकता था मैंने किया, देखते हैं, उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। हाँ पक्का, आप ध्यान रखिए। हेलो बेटा, मैं आप ही को ढूंढ रही थी, उन्होंने कहा आप यहाँ होंगे, वो किस बारे में था? क्या वो जानता है क्या हुआ है? ना ना ना, घबराने की कोई बात नहीं है, अगले कुछ ही दिनों में टेस्ट रिपोर्ट्स आ जाएंगी। आपका पीएफ रिपोर्ट ओके है, आप पूरी रात यहीं पर थी, थक गई होंगी। डॉक्टर स्टुअर्ट को लगता है कि अब हम सबको घर जाना चाहिए। क्या आप ऐसा नहीं सोचते हैं? ना, हाँ हाँ, मैं भी सहमत हूँ। मेरे हिसाब से डॉक्टर स्टुअर्ट स्पेशलिस्ट हैं और जो करेंगे ठीक करेंगे। ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है, ठीक है। अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे समझेंगे और मेरे परिवार से सहमत होंगे। मेरे अपने कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। मैंने महसूस किया है कि मेरे कुछ स्टैंडर्ड हैं। अब समय आ गया है कि मैं इस जीवन की खोज करूं जिसका मैं हमेशा से सपना देखती आई हूं। प्रेडिक्शंस?
क्या ऐसा कुछ है जो आप मुझे नहीं बता रहे हैं? मैं भी तुमसे ही पूछना चाहता हूँ। जेकब। हाय। ग्रेस। हाना। तुम सबको देख करके बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छी सिचुएशन में मिलते तो हम सभी के लिए अच्छा होता ये। तो इस हफ्ते तुम्हें कैसा लग रहा है? कोई नया सिम्टम या प्रॉब्लम देखा तुमने? नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। वेल, मैंने तुम्हारा ईजी और एमआरआई देखा है और ये सब देखने के बाद मुझे लग रहा है कि हम लोगों को खासा ध्यान देना होगा एपिलेप्सी के लिए। तनाव, नींद की कमी और अल्कोहल का यूज आपके दौरे का रिस्क बढ़ा सकता है। देखो, तुम्हें बचपन से दौरे पड़ते हैं तो मुझे ये सब बताना पड़े। मैं ड्रग्स नहीं लेती, मैं शराब नहीं पीती, स्मोक नहीं करती और ये सच है। ये अच्छा। बीपीडी, एक्यूट अस्थमा, दौरे की प्रॉब्लम और मल्टीपल हिप सर्जरी, इनमें से कुछ भी आपको याद है? हाँ, कुछ कुछ तो मुझे याद है। हाँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी तुम्हें तकलीफ हो रही है ये सब आपस में जुड़ी है। तो मैं बीमार क्यों हूं? तुम्हारा जन्म प्रीमेच्योर था, 24वें हफ्ते में पैदा हुई। प्रीमेच्योर बर्थ, जन्म के समय वजन कम होना और एक पेनफुल डिलीवरी तुम्हारी प्रॉब्लम का ये सब कारण हो सकते हैं। मैं समय से पहले पैदा हुई इसलिए मैं बीमार हूं। हाँ ना, तुम्हारे इन फिजिकल और इमोशनल सिम्टम्स की वजह से हमें तुम्हारा ज्यादा कंसर्न है। क्या मतलब है कि मैं इमोशनल हूं? तुम्हारे पिता ने मुझे ये ईमेल किया था। मुझे अंदर से मरा हुआ लगता है, नहीं, मृत्यु से भी ज्यादा दर्दनाक। मैं अभी भी एक बच्चा हूं, एक ऐसा बच्चा जो इस दुनिया में अपनी जगह ढूंढ रहा है। मन में कई सारे अनसुलझे सवाल हैं, कुछ ऐसे सवाल जिनके बारे में मैं खुद से भी बात नहीं कर सकता, शायद इसलिए क्योंकि उनके लिए शब्द ही नहीं बने हैं। एक अजीब सा खालीपन है। आखिर ईश्वर, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैं अनचाहा हूं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे जीने का अधिकार नहीं? ऐसा क्यों लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए जबकि मुझे जीना है? आपने मेरी जर्नल पढ़ी? है ना, इस समय जो भी तुम्हें महसूस हो रहा है वो सब नॉर्मल है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन वो है किस बारे में? क्यों? है ना, हम तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं। देखो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता था इस बारे में। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं अडॉप्टेड हूं? ओके, सुनो, है ना, आप समय से पहले पैदा हुई थी क्योंकि आपने सरवाइव किया था एक फेल एबॉर्शन से। तुम्हारे फिजिकल और मेरा मानना है कि इमोशनल सिम्टम्स का पता लगाया जा सकता है जैसे दूसरे केसेस में होता है। मैं बस तुम्हारे फिजिकल सिम्टम के बारे में बात कर सकता हूं, पर मेरी सलाह है कि तुम जल्दी से जल्दी अपने इमोशनल सिम्टम के लिए ट्रीटमेंट शुरू कर दो, इमीडिएटली। तो अब मैं तुम्हें कुछ नई दवाएं लिख रहा हूं तुम्हारे दौरे को रोकने के लिए, और तुम्हें इन दवाओं को ध्यान से रोज लेना ही होगा। है ना मुझे जाना है। सुनो, ठीक नहीं कर रही हो तुम। मुझे हाथ मत लगाओ। Thank you.
हाय। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। क्या मैं तुम्हें बाद में कॉल करूं? जैसन देखो मैंने आग लगा दी है। शोर है। मेरे हाथ में है। मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। क्या मैं तुम्हें बाद में कॉल करूं क्या? मेरी बात सुन रहे हो? शो, कोई बात नहीं। फ्री हो तो ही कॉल करना। बाय। आपकी ईमेल भेजने से पहले हमने एक बार बात भी नहीं की। तुम बताओ मैं क्या करता फिर? मैं अपने बेटे को आत्महत्या करने देता और मैं कुछ नहीं करता? मुझे नहीं लगता ठीक है। ऐसा नहीं है। है ना? प्लीज बैठो, हमें तुमसे बात करनी है। आपके पास मुझसे बात करने के लिए 19 साल थे। मैं समझ सकता हूँ तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, लेकिन प्लीज देखो तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं बैठना नहीं चाहती, मुझे इसके बारे में नहीं बात करनी है। तुम क्या चाहती हो? मुझे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट देखना है। क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं तुम मेरी बेटी हो, है ना? ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी माँ कौन है। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं उसे कैसे ढूंढ सकती हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नहीं कर सकता, ये मेरे बस में नहीं है। देखो मुझे नहीं पता कि तुम्हारी जन्मदिन वाली माँ कहाँ पर है, वो कौन है, कैसी है, मैं नहीं जानता। ये लो, ये तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट है। थैंक यू। कौन है वहां? हेलो, मैं हूं। तुम अपना पेपर स्प्रे नीचे रख सकती हो। ठीक है। तुम्हें कैसे पता मैं यहां हूं? तुम्हें तो कोई भी ढूंढ सकता है। बिल्कुल नहीं। क्या मैं आ सकता हूं? नहीं, मैं तुमसे नाराज हूं। क्या कर रहे हो तुम? मैं अपने जूते उतार रहा हूँ। लेकिन तुम अपने जूते क्यों उतार रहे हो? क्योंकि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पसंद कि लोग मुझसे नाराज रहे, खास करके तुम। तुम ठीक हो? नहीं। इस बारे में बात करना चाहती हो? नहीं। मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ है। ऐसा क्यों कह रही हो? हिप सर्जरी, बुरे सपने, ये दौरे, प्रोसीजर्स, ये सब जुड़ा हुआ है। मेरे माँ बाप नहीं है, उन्होंने मुझे गोद लिया है। उन्होंने मुझे गोद लिया क्योंकि मेरी माँ मुझे गोद में ही मारना चाहती थी। मुझे लगता है मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए था। मैं मुश्किल से जी रही थी। मुझे बस इतना पता है कि वो लोग मुझे सिर्फ इतना बताएंगे कि मेरा जन्म एक मोबाइल अल्बामा हॉस्पिटल में हुआ था, जो कि यहाँ से 12 घंटे की दूरी पर है। मैं नहीं जानती मैं वहाँ कैसे पहुँच पाऊँगी, और अगर वहाँ गई भी तो मैं क्या करूँगी। मुझे सिर्फ मेरे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए मेरे सारे सवालों के। मैं अपने जीवन के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, तुम्हें पता है। अब मैं अटक चुकी हूँ, जैसे फंस चुकी हूँ।
जैसे जैसे कोई रास्ता ही नहीं। मैं ऐसी जगह रुक चुकी हूं जिससे मैं नफरत करती हूं। इसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी। वाह है ना, मैं मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए। मुझे लगता है कि चीजें काफी भयानक है, काफी दर्दनाक है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। तुम सचमुच आशावादी हो। देखो जो होगा सब सही होगा, ठीक है? मेरा यकीन मानो, तुम्हें पता चल जाएगा क्या करना है। क्या तुम्हें इतना यकीन है? मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन मैं तो खुद को नहीं जानती। कौन है वो? एलेना, मैं उससे बाद में बात कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, बात कर लो, कर लो ना। Are you sure? हाँ बात कर लो। हेलो, hey. नहीं नहीं, बस बाहर घूम रहा हूँ। कैसी हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। अच्छा सुनो, क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करूँ? हाँ मैं वादा करता हूँ। ठीक है, थैंक्स, फिर मिलते हैं। तो मैं रोड ट्रिप बनाने के मामले में बहुत कमज़ोर हूँ। हमारे ट्रिप के जाने से 3 दिन पहले हमें पता ही नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं। Awesome. पर चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं। हम दोनों का कल एग्जाम है ना? इस वक्त वही आखिरी बात है मेरे दिमाग में, पता है तुम्हें? पता है, लेकिन हमें मुझे पढ़ना चाहिए। Come on, मेरी बात मान लो प्लीज। ठीक है पढ़ाकू। वाह, ये देखो। क्या कबाड़ का टुकड़ा है ये? ये विंटेज क्लासिक है। ये विंटेज कबाड़ है, इसे देखो जरा, ये मर चुकी ऐसा है। ऐसा मत कहो, ये तुम्हारी कजिन की है ना? हाँ। वो दिखता कैसा है? इस गाड़ी से थोड़ा सा बुरा। वैसे मुझे पता है हम कहाँ जा रहे हैं। तुम्हारे पास कोई राज है ना? क्या? मुझे पता है कि तुम्हें एक वजह मिल गई है। मेरा मतलब कि क्या तुम पागल होना चाहती हो? नहीं मैं नहीं। मुझे पता है तुम्हारे पास वर्ल्ड चाइल्ड है। ये बताओ कि क्या वो एक मॉडल क्लास है? तुम एक लाइब्रेरी में हो, आहिस्ता बात करो, धीरे से। क्या ट्रूमैन ने तुमको नहीं बताया? मुझे बताओ क्या। खैर स्प्रिंग ब्रेक, हमने ऑरेलियंस पर जाने का फैसला कर लिया है और हम चाहते हैं कि तुम भी आओ। कम ऑन है ना, प्लीज बताओ ना मुझे। तुम जानते हो मार्दी ग्रास वास्तव में न्यू ऑरेलियंस में शुरू नहीं हुआ था। वो वास्तव में मोबियल अलबामा में शुरू हुए थे, जो हमारे रास्ते में है। तो हम वहाँ घूम सकते हैं और इसकी जाँच कर सकते हैं। ये बहुत ही मजेदार होगा, मेरे यकीन मानो हमें करना चाहिए। थैंक यू सो मच मुझे हिस्ट्री बताने के लिए। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि किसी को भी ये ना महसूस हो कि इस ट्रिप में आकर हम फंस गए हैं, समझ रहे हो? अगर किसी को कहीं जाना है तो वो जा सकते हैं।
तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं ठीक काम कर रहा था। तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह से यात्रा करना चाहती हूँ? मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ। अभी नहीं तो कभी नहीं। तुम क्या कर रहे हो? धीरे से नहीं बोल सकते? सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। जेस। हे मिस्टर लॉसन, कैसे हैं आप? यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप ही टर्मन है ना? हाँ हाँ। इसी बहन के बारे में बता रहे थे मुझे। ये क्या हो रहा है? मुझे लगा मैंने इसे ठीक कर लिया। ये वैन क्लासिक है जिस पर हम लोग घूमने जाने वाले हैं। फैल्कन आ रहा है क्या? क्या 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 नाम बताया था उसका? उसका नाम एवलिन है। और ये बुढ़ा कौन है यार? क्या तुम्हें पता नहीं क्या चल रहा है? ये उसके पापा हैं। ओ, कैसे हो तुम? तुम कौन हो? बीमैक, उसका कजिन। और मैं उसको यहाँ से लेके जा रहा हूँ उनके पास। वो मेरा बच्चा है, समझे? तुम्हारा नाम भूल गया, क्या नाम है तुम्हारा? बीमैक। नहीं, तुम्हारा नाम, असली नाम, वास्तविक नाम? यही है, सच कह रहा हूँ मैं, यही नाम है मेरा। मैं यहाँ जैसन से बात करने आया था, क्या एकांत में बात हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं, मैंने कहा मना किया। जो भी हो यार। मुझे माफ कीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तुम जानते हो है ना बीमार है, क्यों उसे बुलाया? इस बुड्ढे की प्रॉब्लम क्या है? पहले जाके तुम अपनी दाढ़ी काटो। मुझे नहीं पता, मैंने तो बस उसे ऐसे ही इनवाइट किया। बस ऐसे ही? हाँ, सच कहूँ तो मैं बस उसकी मदद करने जा रहा था। मदद नहीं कर रहे हो जैसन, तुम मदद नहीं कर रहे हो बल्कि तुम मेरी परेशानी और बढ़ा रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? मुझे माफ करना। देखो है ना, मेरी बात नहीं सुन रही अभी, वो मेरी कोई बात नहीं मान रही। देखिए मिस्टर लॉसन, मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो क्योंकि तुम्हें नहीं पता मेरे घर में कितनी परेशानी चल रही है, और मैं तुमको सब बता भी नहीं सकती मेरे घर में अभी क्या चल रहा है। मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा अगर तुम मेरा साथ दोगे इन सब बातों में, ठीक है? ठीक है। हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता इसमें कभी नहीं जाता। ये तुम्हें सुन सकती है? मेरे हिसाब से तुम्हें कभी कभी नहा भी लेना चाहिए। इसकी तुम सुबह हो गई और तुम अभी भी यहां हो? हाँ, मैं क्लिनिक जा रहा हूँ। वैसे आज मैं नहीं जाना चाहता था, मुझे हैना से बात करनी थी। किस बारे में? उस ट्रिप के बारे में जहाँ वो जाना चाहती थी, और मैं उसको समझा नहीं पाया था। मुझे नहीं लगता वो समझेगी। वो बात समझ गई थी लेकिन मुझे नहीं लगता कि मानेगी। तो वो नहीं जा रही? मैंने कहा तुम जो करोगी ठीक करोगी, मुझे लगता है कि हम सही हैं। ठीक है, मेरे साथ कॉफी लोगी? जरूर। अरे बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, हेडफोन्स मत लगाओ डिएगो। पता है असल में बात यह है कि डिएगो को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करना। मुझे लगता है सबके पास अपना ईयरफोन होना चाहिए ताकि सब लोग गाना सुने, एंजॉय करें, ताकि कोई किसी की बात को न सुन सके। ये वास्तव में मास भराव है जो छोटे पीले कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है। मैं सच कह रहा हूँ, जब भी हम बर्गर पकाते हैं उसके सारे खराब चीज निकल करके ग्रिल में चली जाती है। तुम मेरी बात सुन नहीं रही हो, मुझे गुस्सा दिला रही हो, समझे तुम?
क्या रात है, तेरा साथ है, साथ में यादों की बारात है, मेरा यार मेरे साथ है। वाओ, तुम सच में बहुत अच्छे हो। धन्यवाद। पर वहां पर आ होना चाहिए था एक जिंगल बार क्यू कंपनी के लिए गहरी आवाज के साथ। तुम्हें तो रियलिटी शोज में होना चाहिए। पता है वहां पर भेदभाव होता है। पता है कभी कभी मैं गाने लिखता हूँ उन सपनों को सोच करके जो कि दूसरे लोग देखते हैं। पुलिस की गाड़ी। सर क्या आप लोग टोटल गाड़ी के से दूर साथ हैं? क्या तुमने शराब पी रखी है? नहीं बिल्कुल नहीं। अरे सारे के सारे मुझे बेवड़ा क्यों समझते हैं यार? तो यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ऐसे ड्राइव करने आए थे। ऐसा थोड़ी कहीं लिखा हुआ है, कहीं कहा गया है कि आप बीच पे ड्राइव नहीं कर सकते। टीवी में तो इतना अच्छा दिखाते। क्या तुम लोगों ने इस बीच को होटल समझ के रखा है? हाँ, नहीं। तुम लोगों ने इसे बार समझ के रखा है? क्या जवाब दू? नहीं। तुम जैसे लोग पता है किस टाइप के होते हैं? कैसे होते हैं? एक खतरनाक कछुए के अंडे की तरह होते हैं। कछुए का अंडा? तुम लोग कैसे बात कर रहे हो, जैसे कोई गुनहगार से बात करता है। नहीं बिल्कुल नहीं। $5,000। ये गाड़ी इसी की है। तुमने मुझे यहाँ पे ड्राइव करके आने के लिए कहा था, कैसे बात कर रहे हो तुम? मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। क्या बकवास कर रहे हो? ओके लिसन, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। हमें ये कार जब्त करनी होगी और यहाँ पे जितने भी लोग हो सभी लोग एक एक करके मुझे अपना नाम भी बताओगे, वो भी अपना असली नाम। हमको असली नाम बताना पड़ेगा? बिल्कुल सही सुना। सर क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? ये मेरी जिंदगी की पहली ट्रिप है, ठीक है? मैंने ऐसा कुछ भी पहले कभी नहीं किया है और मैं यहाँ पर हूँ इसलिए क्योंकि मुझे मोबाइल अलेबिमा में जाना है, क्योंकि वहाँ। देखिए मैम, मेरी बात सुनिए। आप लोग जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जगह खाली कीजिए, चलिए। सुनिए मेरी बात को, मैं वादा करती हूँ मेरे पास बहुत अच्छा बहाना है। देखिए मैं मोबाइल जाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता चला कि मैं गोद ली गई हूँ जैसे पिछले हफ्ते, और मेरे पास ये एक लौता मौका है जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, आखिर मुझे किसने जन्म दिया है, और लगता है वो वहीं रहती है। प्लीज समझिए, आप जो कुछ भी कह रहे हो वो सही है, लेकिन सच है, लेकिन मैं 93, 50, 40 आप ये सब ले लो। मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप लोग जाइए यहाँ से। सीरियसली? मुझे कोई बात नहीं सुननी। सर देखिए मेरी बात सुनिए, हम लोगों ने तो बस काम सही से चल रहा है। मारो, धक्का मारो। हाँ मारो, मारो। मुझे चोट लग गई है। हाँ मैं भी धक्का लगा रही हूँ। अरे यार तुम लोग भी। हो गया। ये है ना, मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत बहादुर लड़की हो। तुम जो भी कर रही हो तुम जानती हो ना, वो सब कुछ जो तुम्हारी माँ के लिए है। तुम जिस शिद्दत के साथ अपनी माँ को ढूंढ रही हो ना, वो कोई मामूली बात नहीं है। जरूर मिलेंगी तुम्हें। क्या मुझे बर्गर के बारे में नहीं सोचना चाहिए? ये मेरे लिए उतना ही मुश्किल है जैसे कि कोई मुझे सादा खाना खाने के लिए कहे। मेरा मतलब है ये कौन सी बड़ी बात है? ये आइडिया किसके दिमाग में आया होगा कि एक बीन लो और उसको बर्गर में डाल करके हैमबर्गर का टेस्ट दे दो? ऐसा कहीं हो सकता है क्या? कहने का मतलब ये है कि बैगन हमेशा ही सिद्ध करना चाहते हैं कि वो टोफू मीट जैसे दिखाई पड़ते हैं, पर ये सच नहीं हो सकता। चलो होटल आ तो गए, देखते हैं कैसा होटल होगा। पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं इसको यार। आज तक मैंने इससे खराब होटल नहीं देखा। ये नेट पे ज्यादा अच्छा दिख रहा था। कहाँ देखा तूने? होटल normanbats.com? नहीं, होटल monkey.biz। मैं गाड़ी में सो जाऊंगा यार। है ना, तुम अलाना के साथ रहोगी। क्या और कोई ऑप्शन है? नहीं, डेनली ने अपने कमरे के लिए ज्यादा पैसे दिए हैं।
मैं यहाँ वैन में सो रहा हूँ तो तुम मेरा कमरा ले सकती हो। नहीं, तुमने मुझसे कहा था कि हम दोनों एक साथ रहेंगे। मेरे साथ इन दोनों में से कोई और नहीं रुकेगा। वैसे क्या तुम रुकोगी मेरे साथ? मुझसे दूर रहो ट्रूमन। कुछ तो इज्जत कर उसकी यार। ये बहुत सारी गोलियां हैं। हाँ, रिडिकुलस है ना। तुम जानती हो मैं क्या सोचती हूँ? शायद तुम्हें ये सब लेना पसंद है। इस तरह लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, है ना? कि बेचारी है ना, दुखी आत्मा। I'm sorry, मेरा वहाँ हाँ, तुम तो कभी भी कुछ करना ही नहीं चाहती पर फिर भी सब कुछ करती हो, है ना? तुम्हें पता है ना? अच्छा ये बताओ, तुम इस ट्रिप पर क्यों आई? जिसे ने मुझे इनवाइट किया था। हम नहीं चाहते थे कि तुम आओ। वो सिर्फ अच्छा है इसलिए कहा उसने। मैं हमेशा जल्दी उठ जाती हूँ। क्या मैं अलार्म लगा सकती हूँ अगर तुम चाहो? है ना, बस सो जाओ और मुझे भी सोने दो। कौन है? ये मैं हूँ। तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? अपना कुछ सामान ले रही हूँ, सो जाओ तुम। है ना क्या चल रहा है? मैं जा रही हूँ। इस वक्त आधी रात को क्या हम बात कर सकते हैं? मैं बात नहीं करना चाहती। मैं निकल रही हूँ और तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहो यहाँ। मुझे एहसास हुआ कि मैं एक प्रॉब्लम हूँ और मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम बस न्यू ऑरलियंस सबके साथ चले जाओ। तुम पार्टी करो, मौज करो, मस्ती करो, ऐश करो, तुम्हें जो करना है करो। मैं निकल रही हूँ। तुम क्या कह रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या हुआ है तुम्हें? जाहिर तौर पर मैं गलत हूँ। मैं जा रही हूँ, पीछा मत करना। भाई इसका बाप तुझे मार डालेगा, बहुत खतरनाक है वो। Have a seat upon this branch of mine. It's been a while, honey, I think I feel fine. See the question mark atop your spine. Got a ladder, honey, won't let me... माफ करना, मुझे थोड़ी देर हो गई। सिर्फ एयरपोर्ट पर ही रेंटल प्लेस का ऑप्शन था, उसी में वक्त लग गया तो देर हो गई। मुझे मदद नहीं चाहिए जेसन। हाँ सही कहा तुमने। तो हम क्या मोबाइल एक साथ जाने वाले हैं या फिर कुछ और? चलकर निकलते हैं। एलेना क्या सोचेगी? कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या सोचती है, ये मेरा डिसीजन है और वो जानती है ये। चलो अंदर आ जाओ, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। तुम परवाह क्यों करते हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह करनी है, ठीक है? नहीं, मैं उस तरह की लड़की नहीं जो किसी के साथ बेकार भी बैठ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन तुम अकेले कैसे जाओगी? मैं आ रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं अकेली थी जब मैं आई, मैं तो चल रही थी। ठीक है, ये हुई ना अकलमंदी वाली बात। मैं ठीक हूँ। All the faint lights.
तुम्हें याद है जब हम 9 साल के थे? जब तुम 9 साल के थे मैं 8.5 थी। हाँ शुक्रिया, ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं 9 साल का था और तुम 8.5 साल की थी और हम थॉमसन के बच्चों के साथ खेलते थे और तुम्हें याद है वो पानी में खेलना? ये सब मुझे इसकी याद दिलाता है। हाय, मेरे पास $90 चेंज है और ऐसा ही कुछ, और एक फोन नहीं काम कर रहा क्योंकि पानी में गिर गया था। पानी घुस गया इसके अंदर। क्या आपके पास हमारे पास है? सस्ता है $110 का। आपके पास AAA है तो? ओ हाँ, हमारे पास है, हमारे पास तीनों ए है। हाँ और हमें अलग कमरे चाहिए। हम साथ में नहीं है वैसे तो। सही कहा। AAA 99 का है और उसमें केवल आपको एक ही कमरा मिलेगा और बाकी के जितने भी रूम हैं वो सब लग्जरी स्वीट्स हैं। $299 का है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, हालांकि हमें सिर्फ नॉर्मल कमरे की जरूरत है। बहुत साधारण रूम। स्टैंडर्ड। शायद अगली बार। आखिर हमें रूम मिल गई। धीरे। एक ही बिस्तर? हाँ निश्चित रूप से एक ही बिस्तर है। हाँ क्या सो गए तुम? मैं बस अभी अभी लेटा हूँ। ओह सॉरी, क्या तुम ठीक हो नीचे? वेल, तुम जानती हो मैं आम तौर पर किंग साइज बिस्तर पसंद करता हूँ, लेकिन बस उनके पास इतना ही था। कोई बात नहीं, चलेगा। That's funny, तुम मजाकिया हो। तुम्हें लगता है मैं बहुत अजीब हूँ इस सब को लेकर? हम पुसपुसा क्यों रहे हैं? मुझे पता नहीं, मुझे मतलब है कि तुम कॉलेज के पॉपुलर लड़के हो, लड़कियाँ वो तुम्हें अट्रैक्ट करना चाहती है, कंपनी एंजॉय करना चाहती है। तुम्हें लगता है कि मैं अजीब थी अगर मैं कहूँ कि मैं कभी इससे पहले किसी के साथ गई नहीं थी? फिजिकली कहना चाहूँ तो बनावटी लगेगा, लेकिन मैं जानती हूँ बिल्कुल। मैं वो मेरा मतलब मैं शामिल नहीं होना चाहती थी। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे लगता है कि तुम मुझे जज कर रहे हो, जैसे मैं पूरी तरह से हास्यास्पद हूँ, जैसे मैं किसी तरह के होमस्कूलिंग की पागल हूँ। मैंने ऐसा को तुमने सोचा था? मैंने किया? मुझे ऐसा लगा। नहीं, मुझे एक सवाल था। देखो बात ऐसी है, मेरे जंगली पक्ष होने में क्या गलत है? मतलब है कि मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जैसे और मेरा एक जंगली पक्ष है, स्क्रैबल खेलते देखा तो है, मैं वाइल्ड हूँ। क्या सोच रहे हो तुम? मैं तुम्हें पता है क्या, मैं ये नहीं कर सकती चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। है ना, कहाँ जा रही हो? मुझे जज मत करो। वाह, चलो
चले जाओ। हेलो, तुम एक सन की नहीं हो है ना? गुड नाइट। रूम में कोई परेशानी थी क्या? नहीं नहीं, कमरा तो बिल्कुल ठीक था। क्योंकि आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, चाहे आप जहां भी सोए हो। है ना, मुझे मुझे माफ कर दो। मेरे पास एक जंगली पक्ष है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम अंदर घुस गए। मैं अंदर नहीं गई, दरवाजा खुला था। वो पिछला दरवाजा था और तुमने उसे खोल दिया। अच्छी बात यह है कि मुझे अस्पताल के बारे में सब पता है। अच्छी बात यह है कि वहाँ फाइलें और उपकरण सब होंगे। सो चले। मैं घर आ गया। स्क्रब्स, आपकी दुआ पूरी हुई? हाँ। हैना से बात हुई थी आज? मैंने उसे कई बार फोन करने की कोशिश की। यह कब बड़ी होगी? जब मैंने उसे पहली बार बहाव में लिया था। मुझे याद है जब पहली बार मैंने उसे अपने बहाव में लिया था, सोच रहा था कोई इतना छोटा होकर के मुझे इतना कसके पकड़ सकता है। और मैं उसकी मुस्कान देख रहा था। पता नहीं, हम ये नहीं जानते क्या वो कभी हमारे नजरियों को समझेगी। शायद हमें उसे बताना चाहिए। क्या बताएं उसे? सब कुछ? नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, भरोसा नहीं करेगी। और हम अपनी बेटी पर भरोसा करना चाहिए। तो तुमने वहां तोड़कर एंट्री की। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? तो बताओ। हाँ, मुझे पता है। ये बताओ कि तुम वहां क्यों गई? एलेना, प्लीज गुस्सा मत करना। यहां कुछ हुआ है और मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं और हैना जेल में हैं। हाँ, हम लोग यहां पर छुट्टियां मनाने नहीं आए हैं। एलेना, हम इतने दूर आ गए हैं और हॉस्पिटल मेरे इतने पास था। ये एक ही जगह थी जो मैंने छोड़ दी थी और वो एक अंत था। अगर आप मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो मुझे खत्म कर दो। तो बस इसे खत्म कर दो। मेरा डैड मुझे मार डालेंगे। होम एंड फ्री क्लिनिक। मेरा डैड मुझे मार डालेंगे।
और वो तुम्हें भी मार डालेंगे। क्या कमाल की बात है। मैं इस क्लिनिक के बारे में जानता हूं। यहां पर कुछ बम धमाके की धमकियां मिली थी। मैंने एक डॉक्टर और दो नर्सों से बात भी की और जहां तक मुझे याद है कि उन नर्सों में से एक थी जो मुझ पर काफी ज्यादा मेहरबान थी। ये देखो, ये उनके बयानों में से एक है। सिग्नेचर्स एक जैसे हैं। वो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट क्यों साइन करेगी? पता नहीं। उसका नाम मेरी मेरी रूटलेट्स है। फोन अनलिस्टेड है, बस एक पता है जिसकी काफी ज्यादा समय से कोई पुष्टि नहीं हुई है। हो गया। गुड लक। रुको, बाकी का क्या? तुम उसकी चिंता मत करो। मैं अपनी गलतफहमी के लिए काफी शर्मिंदा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे शहर के बारे में अच्छा सोचेंगे। तो हम जा सकते हैं? हाँ। जैकी आपकी मदद करेगा। आप लोग अपना सामान ले सकते हैं। एक सेकंड रुको। तुम क्या कहोगी जब तुम्हें तुम्हारी माँ मिलेगी? तो मुझे बस ऐसे ही जानना था। मुझे पता नहीं। मेरी वाइफ मुझसे कहा करती थी कि इंसान होना एक बहुत खूबसूरत तोहफा है। वो 5 मंथ की प्रेग्नेंट है और हमारे 4 बच्चे हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि ये कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा। लेकिन ये दुनिया पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, इसलिए अपराध से नफरत करो, ना कि अपराधियों से। शुक्रिया। गुड लक। शुक्रिया। क्या तुम चाहती हो कि मैं आऊं? हाँ, क्या चाहिए? क्या आप मैरी हैं? हाँ। मुझे नहीं पता कि कैसे आपने इसे साइन क्यों किया। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? पुलिस ऑफिसर ने आपके सिग्नेचर को पहचान लिया। ओ, सार्जेंट डॉट, तुम उसका पक्ष लेना। वो बहुत सुंदर थी, मुश्किल से 18 साल की होगी। मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, पर मैं उससे बड़ी थी। तुम्हें पता है ना, जो लड़कियां वहां आती हैं वो उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए। वो समझदार होती हैं, पर तुम्हारी माँ वो काफी जिद्दी थी। मैंने ही उसे काबू में किया और प्रक्रिया के लिए तैयार किया। एबॉर्शन? हाँ, वो एबॉर्शन। उसने मुझे समझाने की कोशिश की कि वो सही कर रही थी, पर असलियत में तो वो खुद को ही समझा रही थी। उसने बताया कि वो लड़के को जानती तक नहीं थी, उसका नाम तक नहीं पता। एक बार में मिली थी, एक साथ रात बताई और वो चला गया।
मैंने सुना, जैसे इससे पहले भी 100 लड़कियों की सुनी थी। सर हिलाया, कहा कि मैं समझ गई, उनमें से कुछ लड़कियों के लिए सिर्फ मैं ही उनकी दोस्त थी। आधे रास्ते में कुछ शायद कुछ गलत हुआ होगा, काश मुझे पता होता। पर जब मैं तुम्हारी माँ को देखने गई, वो तो जाग ही रही थी और डॉक्टर उससे कह रहे थे कि यह सफल प्रयास रहा। क्या ये नॉर्मल है? उसके लिए वहां पर जो बातें हुई, वो चीजें जो उन्होंने मुझसे कही, जब आप कोई भी बात बार बार सुनते हो, आप उस पर भरोसा करने लगते हो। वो फीटस था, ऐसा उन्होंने हमें कहा, वो फीटस था जो जिंदा नहीं रह सकता था, एक बेजान फीटस। अगले दिन तुम्हारी माँ फिर वापस आई। उसने कहा कि वो प्रक्रिया खत्म करना चाहती है, कि उसे स्कूल जाना है और अपना करियर बनाना है। वो जानती थी कि एक बच्चे के रहते वो ऐसा नहीं कर सकती, सिर्फ यही रास्ता था। मैं उसे देखकर समझ गई कि वो परेशानी में थी, बहुत छोटी और बहुत जवान थी समझने के लिए। मेरे पास दो रास्ते थे, इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई। जब वहां पहुंचे, वो डिलीवरी के लिए तैयार थी। मुझे रोकने के लिए उसने भीख मांगी, सिर्फ मैं ही तो थी उसके पास, इसलिए मैं रुक गई। पहले तुम्हारा भाई पैदा हुआ, मुझे ये याद है। मेरा भाई? I'm sorry. आप क्या कहना चाहती हैं? है ना, तुम्हारी माँ के जुड़वे बच्चे थे, पहले तुम्हारा भाई पैदा हुआ। मैं उसे हमेशा याद रखूंगी। वो कितना छोटा था, 1 किलो से भी कम। वो अपूर्ण था, उसके हाथ गायब थे पूरी तरह से। असफल प्रयास की वजह से ऐसा हुआ था, लेकिन वो बस मैंने उसे हिलते हुए देखा था। मैंने उसका दर्द देखा। मैंने कोई ब्रूड नहीं देखा, मैंने बस बच्चे का चेहरा देखा। पर तुम एक बड़ी सरप्राइज थी, तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानता था। जब तुम बाहर आई, बड़ी बड़ी आंखें, बहुत खूबसूरत, उसके बाद मैं कभी क्लिनिक वापस नहीं गई। कभी नर्स का काम भी नहीं किया। क्या ये मेरा है? तुम्हारी माँ का है, उसने मुझे दिया था जब हॉस्पिटल से निकली थी और वो चली गई। हमने उसकी तलाश की, पर उसने अपना नाम बदल लिया था, वो चली गई थी। मेरा भाई कितने समय पहले, मुझसे पहले कब? है ना, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम दोनों को गोद लिया था। मैं बार बार आती थी और तुम दोनों को NICU में देखती थी। वो हमेशा वहां रहते थे, तुम्हारे इनक्यूबेटर के पास बैठे रहते थे और बाइबल पढ़ते रहते थे। वो लोग प्रार्थना करते थे और उसने काफी संघर्ष किया, लेकिन वो कभी हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकला। तुम्हारे पैदा होने के 4 महीने बाद तुम्हारा भाई नहीं रहा,
मुझे पता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है। मैंने उसे कुछ वक्त पहले देखा है। उसने काफी पढ़ाई की और उसने अपना करियर बनाया है। उसका नाम सिंधी हेस्टिंग्स है। वो एक लॉ फर्म में काम करती है। इतनी भागदौड़ के बाद घर आ ही गई। मुझे अपनी बात कहने की जरूरत है। थैंक यू। हाय। हे, क्या तुम ये करने वाली हो? हाँ, मुझे करना होगा। तुम्हें पता है, मुझे लग रहा है कि मुझे इस सब के बारे में पता नहीं करना चाहिए था। इस रिश्तों की गहराइयों में दर्द के शोले उठते हैं, भावनाएं। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं थी। अंदर आ जाओ। हे, तुम ठीक हो जाओगी ना? अब मैं निकलता हूं, मुझे आइस मशीन या कहीं पर जाकर सोना होगा। तुम कैसे भुगतान कर रहे हो? मैंने ट्रिप के लिए कुछ पैसे बचाए थे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल दे दूंगा। हे जेसन, तुम्हें पता है वो आखिरी बात जो मुझे याद है ब्लैकआउट होने से पहले? वो आखिरी बात जो मेरे दिमाग में थी, गिरना, गहरे नीले पानी में गिर जाना, तुम्हारा हाथ पकड़ना। क्यों तुम हमेशा मेरे साथ रहे हो? गुड नाइट। गुड नाइट। Life.
to the other side. And do you believe in bridges? Well, I know where you are, and I see where you're coming from. 'Cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are. आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं यहाँ सैंडी हेस्टिंग्स से मिलने आई हूँ. वो भी बाहर है, आप इंतजार कर सकती हैं. मैं रेस्टरूम इस्तेमाल कर सकती हूँ? थैंक्स. हेलो जी, बोलिए, आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो अभी बाहर गए हैं, आप सोमवार को आ सकते हैं? हाँ सोमवार. हाय, क्या मदद कर सकती हूँ? माफ करना, स्टेसी ने बताया नहीं कि कोई और अपॉइंटमेंट थी. आई एम सॉरी, मैं ऐसे ही आपके ऑफिस में आ गई. मेरा नाम हैना है, मैं हैना लॉसन. क्या आप न्यू इंटर्न के लिए आई हैं? आपसे बात करके अच्छा लगा, पर मुझे लंच के लिए जाना है. मैं, मेरा जन्म अक्टूबर 7, 1991 को हुआ था, मोबिल जनरल हॉस्पिटल में. मैं कर सकती हूँ. मुझे लगता है मैं आई थी क्योंकि मैं कुछ हूँ आपकी. स्टेसी, क्या तुम मेरा लंच कैंसिल कर दोगी और मेरे कॉल्स को होल्ड पर रखना? तुम्हें क्या चाहिए? हे हनी, तुम तैयार हो? हमें जाना होगा क्योंकि बच्चे हमारा कार में वेट कर रहे हैं. ओह माफ कीजिएगा, ये कौन है? मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता. मैं हैना हूँ. हेलो. मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये जानकारी कहाँ से मिली, पर ये सही नहीं है. मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रही हो. मैं और केसेस हैंडल नहीं कर सकती, पर रेमंड हॉल, वो मदद कर सकता है. वो शायद तुम्हारी मदद कर सकता है. माफ़ करना.
है ना? हे, मुझे प्लीज माफ कर देना। नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। नहीं, ये मैं नहीं था, कसम से। क्या आप मेरा पीछा कर रहे हो? कार में चलो, है ना, मैं तुमको लेने आया। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ आपके साथ। हमें ये भी नहीं पता कि हम कहाँ हैं। इसकी गर्लफ्रेंड ने मुझे फोन करके इन सब के बारे में बताया था। और क्या तुम गिरफ्तार हुई थी? तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकती हो? आपको लगता है मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ? चलो कार में, हम घर जा रहे हैं अभी। चलो कार में बैठो अभी। ठीक है, ठीक है। मिस्टर लॉसन, इन सब से दूर रहो। जेसन, मिस्टर लॉसन, मैंने कहा इससे दूर रहो। मुझे पता है आपको कैसा महसूस हो रहा है। मैं नहीं पता मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, और तब तक नहीं पता चलेगा जब तक मेरी कोई बेटी नहीं होगी, इसलिए दूर रहो इससे। वो आपकी बेटी नहीं है, और उसे पता लगाने का पूरा अधिकार है कि वो कौन है। सीधी बात कर रहा हूं, इसको समझो। तुम मेरी बेटी से कोई कांटेक्ट नहीं रखोगे, ना उसे कॉल करोगे। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तुमने झूठ बोला मुझसे जैसन। मुझे तुमसे इससे ज्यादा की उम्मीद थी। मेरी तरफ देखो, क्या हम लोग इस बारे में बात कर सकते हैं? है ना, जब तक पूरी बात क्लियर नहीं हो जाती तब तक तुम स्कूल नहीं जाओगे, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इस व्यवहार के लिए मुझे तुम्हें फंडिंग करनी चाहिए। वैसे नीचे क्या हुआ था? आप क्यों जानना चाहते हो? मुझे तुम्हारी परवाह इसलिए है कि मैं तुम्हारा पिता हूं और तुमसे प्यार करता हूं। अगर आप मुझसे प्यार करते तो आपने मुझे बताया होता। अगर तुम्हें सच ही जानना है तो मेरी बात सुनो। 3 महीने हो गए थे, 3 महीने। तुम्हें गोद लेने के बाद हमको मालूम पड़ा कि मेडिकल बिल बीमा कंपनी कवर नहीं करेगी। हम सब कुछ खोने वाले थे, हमारा घर चला गया, हम दिवालिया हो गए। मैंने तुम्हारे लिए अपना मेडिकल कोर्स छोड़ दिया। मैं गलत इंसान तुम्हारे लिए कैसे हो सकता हूँ, बताओ मुझे। सॉरी, मैं आप पर बोझ बन गई। पर मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। यही तो कहा आपने, है ना? रुको रुको, उसका नाम क्या था? किसका किसका नाम? मेरा भाई। मैंने मां को ढूंढ लिया। बेटा, मैं हमेशा उसके बारे में तुमको बताना चाहता था। ठीक है जॉनथन, जॉनथन नाम था तुम्हारे भाई का। देखो तो वाला कौन आया है आज हमारे पास। हाँ ठीक है, एरिना कहाँ पर है? तुम्हें देख के अच्छा लगा दोस्त। तुम जानते हो, अगर तुम यहाँ पर होते तो शायद मुझे कभी भी ये सब पीने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि हैंड ग्रेनेड। इसकी एक खूबी ये है कि इसे 3 घूंट पीते ही आप अपना सारा गम भूल जाते हो। और सच कहूं तो मैं इसे जानबूझ कर पीना पसंद करता हूं, क्योंकि मैं उन सभी घटनाओं को याद नहीं रखना चाहता। कभी नहीं, बहस याद नहीं, लड़ाई याद नहीं, और ये आदमी भी, मेरे चेहरे की चमक देखो। और तो ये अदालत की तारीख के साथ आता है। आजाद हो जाओ बुरा बर्ताव करने वालों, मेरा अब एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बन गया है। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। और हाँ, तुम्हारा सामान मेरे कमरे में है। शुक्रिया मेरे दोस्त। मैं कहना चाहती थी कि मैं वहां गई थी, मुझे माफ करना।
कहाँ जा रहे हो? घर। हम साथ में जाने वाले थे ना? मैं आज रात ही घर जा रहा हूँ। Confusion and the doubts you had. Up and walk away, you walk away. Dr. Lawson, Jason बात कर रहा हूँ। मैं बस ये कहना चाहता था कि मैं गलत था और मैं हैना को अब से नहीं मिलूंगा। मुझे माफ कर देना। हाय, अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आ जाइए। ये सब क्या है? फाइनेंशियल एड स्टफ। हनी, हम तुम्हें स्कूल से नहीं निकाल रहे, वो बस परेशान थे। मैं समझाना चाहती हूँ। क्या ये आप है? हाँ। कितनी खूबसूरत लग रही है आप। आप प्रेग्नेंट लग रही है। मैं थी 20 सप्ताह इस तस्वीर में। जुड़वा। क्या आपको जुड़वा बच्चे होने वाले थे? क्या हुआ? हमने उन्हें खो दिया। मैं एक क्राइसिस प्रेगनेंसी सेंटर में काम करने लगी। वहां कोने में एक खूबसूरत चर्च था और मैं लंच पर वहां प्रे करने गई थी। मैं कभी नहीं भूलूंगी। 17 अक्टूबर को मैं काम पर गई और मैंने एक बुलेटिन देखा और उसमें जुड़वा बच्चे थे, लगभग 24 हफ्ते के। हमें पता था कि तुम और तुम्हारा भाई एक ही उम्र के हो। एना हमारे लिए एक चमत्कार हो, इसलिए हम तुम्हें खोना नहीं चाहते थे। तुम बहुत जरूरी हो। मैं जानती हूँ। वो कैसा था? ओ, बहुत खूबसूरत था। Well, I guess I could have stayed ashore. Didn't have to go. They say sometimes to find yourself, gotta let go. And the water's cold around me now, so far below. And I hear a voice beside me now, just try to let go.
एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करिएगा, शाम हो गई है, चर्च बंद करना होगा। मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई। मैं हैना हूँ। हेलो, आप यहाँ रोज आ सकती हैं अगर आपका मन करे तो। दरअसल मैं एक बैप्टिस्ट हूँ। मुझे लगता है आप जानते होंगे। और तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं सचमुच नहीं जानती, कैसे बुलाते हैं ये जानना चाहती हूँ मैं चीजों को। चीजों को नहीं समझ पा रही हूँ, कैसे भुला पाऊँ मैं। ये सच है कि मैं अपने आप से नफरत करने लगी हूँ, बिल्कुल, और बाकी सबसे भी। हाँ, मैंने कह दिया। तुम आखिर क्या कहना चाहती हो? वैसे तुम क्या महसूस करती हो? 3 हफ्ते पहले मुझे पता चला कि मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ है, इसलिए मैं एक यात्रा पर चली गई। मुझे लगा अगर कि मैं चली गई तो मुझे ये सारे जवाब मिल जाएंगे, फिर जब मैं वापस आऊंगी तब मुझे अलग महसूस होगा, लेकिन नहीं, मेरे माँ बाप मेरे माँ बाप नहीं है, और मैं असली माँ बाप मुझे अबॉर्ट करना चाहते थे, और मेरा एक भाई है, मतलब मेरा एक भाई था, वो मर गया बस कुछ ही देर के बाद। मैं नाराज हूं मेरे माँ बाप से, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया इस सब के बारे में। उन्होंने बताया कि मैं बाकी बच्चों के जैसे ही हूं। मैं नाराज हूं मेरी असली माँ से, क्योंकि उसने मुझे गिराना चाहा। वो मुझे क्यों नहीं चाहती थी? मेरी क्या गलती थी? मैंने उसे ढूंढ निकाला और वो अभी भी मुझे नहीं चाहती। और मैं दोषी महसूस करती हूं। मेरे एक हिस्से को ऐसा लगता है कि उसे जिंदा रहना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि वो मुझसे भी अच्छे इंसान होते, या फिर वो कैसे होते। मैं अपने आप को कोसती हूं ऐसा महसूस करने के लिए। तो ये बात है, क्या तुम जानती हो इस चर्च को 1983 में बनाया गया था, जिसका नाम सेंट पॉल एपोस्टल के नाम पर रखा गया था। उन्होंने क्लोसी के चर्च को एक लेटर लिखा था और कहा कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें माफ किया है तो हमें भी एक दूसरे को माफ करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें माफ किया है तो तुम्हें भी माफ करना चाहिए, क्योंकि यह शक्ति बहुत ही ताकतवर होती है। माफ करना बहुत मुश्किल है, उसे जाने दो। नफरत का बोझ तुम्हें उठाने की कोई जरूरत नहीं है, सब भूल जाओ तुम। माफ करना ही सबसे बड़ा धर्म है और कुछ भी नहीं, क्योंकि माफी में आपकी मुक्ति छिपी हुई है मेरी बच्ची।
तुम समझ रही हो ना? ये जो माफी है ना, वो किसी चर्च या ट्रेवल करने से नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर तुम खुद को आजाद करोगी तो तुमको अपने आसपास सब कुछ अच्छा लगेगा, फिर तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, मुझे लगता है आपको बंद कर देना चाहिए। हाँ, वैसे तुम्हारे भाई का नाम क्या है? उसका नाम है जोनाथन। जोनाथन चाहता है कि तुम अपनी लाइफ जियो, है ना, तो इसे जी भर के जियो। अंदर आ जाओ। मैं ये सोच रहा था कि मैंने कुछ ओवर रिएक्ट किया है, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे इसके लिए माफी चाहता हूं, जो कुछ मैंने किया। तुम स्कूल जा सकती हो। थैंक्स डैड। मुझे पता है कि सब ठीक हो जाएगा। किस लिए? ये क्या है? मुझे लगता है कि अब ये सब खत्म करना चाहिए, लेकिन मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। उस समय मैं भी वहां रहूंगा। लेकिन एक जगह है जहां मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं, लेकिन अगर तुम ऐसा चाहो तो। बिल्कुल। डॉक्टरों ने कहा था उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, लेकिन मैंने मुस्कान देखी। हमें यकीन हो गया भगवान सब ठीक कर देंगे। हम इतने छोटे थे कि हमको पता नहीं था कि हम तुम्हें क्या बताएं। ये सब तुमको कैसे बताते? दिन साल बन गए और साल दशक बन गए, तुम्हें अब तक नहीं पता। मुझे सिर्फ याद है मैं तुम्हें कैसे पकड़ता था। तुम्हें घंटों पकड़ के बैठा रहता था और तुम्हें छोड़ने का मन नहीं करता था। तुम्हें नजरों से दूर करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। तुमसे दूर होने के बाद मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं डर रहा था। आई एम सॉरी हिना, आई एम सॉरी फॉर जनरल, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग जो मैंने तुमसे उम्मीद रखी थी। मुझे तुमसे इतना सारा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैं तुम पे भरोसा नहीं करता था। ऐसा सिर्फ इसलिए था कि मैं तुम्हें पाना चाहता था। इसलिए प्लीज गलत मत समझना। डैड, आई लव यू और सब ठीक है।
मुझे यलाने के लिए शुक्रिया। पक्का तुम ऐसा ही करना चाहती हो? हेलो जेसन, मैं डॉक्टर लॉसन। सुनो, मैंने तुम्हारे बारे में जो भी सुना था सब गलत सुना था। हैना ने मुझे बताया कि कैसे तुमने उसका ध्यान रखा, उसका सम्मान किया, और मुझे लगता है मैं चाहता हूं कि तुम उसको फोन करो। देखो, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ऐसा मैं चाहता हूं। तुम्हें जो करना है, जो ठीक लगे तुम कर सकते हो, पर मैं सिर्फ तुम्हारा इरादा जानना चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी के बारे में क्या सोचते हो। मैं उसे प्यार करता हूं। उसको फोन कर लो। हाँ ओके, हाँ मैं उसे कॉल करता हूँ। थैंक्स। कितना भारी है ये। हाय बेबी। हाय। बाय। हेलो, क्या डेट? मतलब तुम और मैं? और मेरे डैड का क्या? हाँ मतलब, हाँ मैं करती हूँ, मेरा मतलब है मैं करूँगी। हाँ श्योर, बाय। Been true. Ooh.
तुम स्टूपिड हो। तुम स्टूपिड हो। तुम पूरा सरप्राइज बिगाड़ देना चाहती हो। मैं डिनर डेट के लिए आई थी 5 बार एक्चुअली। 5 बार? मैं नहीं जाती बहुत सारे डेट्स पर। Obviously. Okay. क्या तुम ठीक हो? तुम डरा रहे हो मुझे। हाँ, मुझे पता है। क्या तुम तैयार हो? 3, 2, 1, आंखें खोलो। मैंने सोचा कि तुम्हें खत्म कर देना चाहिए। क्या खत्म करूं? तुम्हारा नाटक। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है हमें एक्टर्स की जरूरत है। फिक्र मत करो, मैंने भी एक बार नाटक किया है बचपन में। Okay. मैं उसमें बकरी क्रमांक 5 बना था। हेलो डेसमंड, आप सुख सुविधाओं से दूर हो सकते हैं, ये थोड़ा छोटा है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है उनके बहुत उम्मीद है। मैं बहुत बुरा कर रहा हूँ, है ना? मैं सच में बुरा एक्टर हूँ ना? हाँ। देखो, जब मैं बकरी क्रमांक 5 बना था तो मेरे पास डायलॉग्स नहीं थे। मैंने बकरी का बेहद गंदा कॉस्ट्यूम पहना था, वो काफी बुरा अनुभव था। तुम्हें हंसी आ रही है? मुझे नहीं लगता तुम फैमिली से बात कर चुके हो। फिर कैसे होगा? ओके, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। हमें फोन करना, ठीक है? और बताना तुम्हारा रूममेट कौन है। अच्छा देख करके ही चुनना उसे। मैं ठीक हो जाऊंगी डैड, मुझे पता है। ओके, हम निकलते हैं। बाय डैड। चलो मिलते हैं। किसलिए? क्योंकि आप मुझे चाहते हैं। थैंक यू। अब तुम जाओ।
आई लव यू बेटा। Through the window, I see you waiting. You smiling, 'cause I'm coming. Your eyes are a story, an ocean of memories. Pictures of faces and the places and all of the things that make us feel like we have it all. All of the times that make us realize we have it all. We have it all. We have it all.